वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ के लिए धनक माविन दर्जी किताब का सबक नंबर 7 पढ़ाऊंगी। धनक क्लास ट्वेल्थ की दूसरी उर्दू की बुक का नाम है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिर्फ एग्ज़ाम से मुतालिक टॉपिक पढ़ाऊंगी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरी ही वीडियो ध्यान से देखनी है। सबक का नाम है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। इसके मुसन्निफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये चैप्टर मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ज़रिए लिखा गया एक इंशाइया है। अब यहाँ पर आपका इंशाइया की डेफिनेशन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में इंशाइया की डेफिनेशन पूछी जाएगी और कहा जाएगा कि उर्दू में इंशाइया निगारी की इंशाइया लिखने की शुरुआत कब से हुई है, उर्दू के मशहूर इंशाइया निगारों के नाम बताओ। तो बच्चों, इंशाइया की डेफिनेशन मैंने सबक नंबर 6 में यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में चिड़िया चिड़िया की कहानी के अंदर अच्छे से बताई है, तो याद से वहाँ से जाकर सीख लेना। इस सबक का खुलासा पढ़ाने से पहले मैं आपको इस सबक का कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। इस सबक के अंदर मुसन्निफ़ ख्वाब के अंदर देखते हैं कि एक बादशाह है और बादशाह सभी लोगों से कहते हैं कि सभी लोग अपने मुसीबतों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर दो और फिर कहते हैं कि इन सभी मुसीबतों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दो। मगर जब सभी लोग अपनी मुसीबतों को एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जो उनकी पहली मुसीबत थी वही गनीमत थी और ये मुसीबत तो उन्हें पहले से भी ज़्यादा परेशान कर रही है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, कभी भी मुसीबतों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के मुसन्निफ़ का इंट्रो पढ़ाऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी चैप्टर का किसी भी मुसन्निफ़ का इंट्रो आपसे पूछा जा सकता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, इनकी पैदाइश 1829 ईस्वी में हुई, इनका विसाल यानी कि इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के अहम अदीब और शायर थे। अदीब किसे कहते हैं? उर्दू में अदीब तहजीब से रिलेटेड मजामीन या तहरीरें लिखने वालों को अदीब कहते हैं, यानी कि कल्चर से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उन लोगों को उर्दू में अदीब कहते हैं। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के अहम अदीब और शायर थे। वे ज़ोक दहलवी के शागिर्द यानी कि स्टूडेंट थे और दहली उर्दू अखबार के मुदीर मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे। इनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। इब्तदा में इन्होंने मुलाजमत के सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया। आखिर में इन्हें लाहौर में महकमा तालीम यानी कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जॉब मिल गई। लाहौर में इन्होंने अंजुमन पंजाब की निगरानी में एक नए अंदाज के मुशायरे की शुरुआत की। मुशायरे का मतलब क्या होता है? कई शायरों को इकट्ठा करके शेर व शायरी करना। इस मुशायरे में ये शायरों को कई टॉपिक दिया करते थे और उन टॉपिक पर उनसे नज़में सुना करते थे। इसी वजह से उर्दू के अंदर जदीद नज़म निगारी यानी कि उर्दू में नई नज़म लिखने की शुरुआत का आगाज़ हुआ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अच्छे शायर ही नहीं बल्कि बहुत बड़े बुलंद पाया इंशा परदास भी थे, यानी कि मजामीन लिखने वाले थे। आबे हयात, दरबारे अकबरी, नेरंगे ख्याल, सुखने दाने फारस वगैरह इनकी मशहूर किताबों के नाम हैं। इन्होंने बच्चों के लिए उर्दू रीडर्स और मजामीन भी लिखे हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के तर्ज़ अदीब उर्दू के मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहिब तर्ज अदीब हैं, जैसे कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था। तो यहाँ से मुसन्निफ़ का इंट्रो कम्प्लीट हो गया। सबक का खुलासा समझाने जा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको सभी सवालों के जवाब अच्छे से आ जाए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। मुसन्निफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये बात काफ़ी हद तक सादिक है, सच्ची है। जब कोई मुसीबत आती है तो हर शख्स अपने आप को बदनसीब समझता है। उसके मुतालिक सुकरात हकीम ने कहा है कि अगर दुनिया में रहने वाले सभी लोगों की मुसीबतें एक जगह इकट्ठी कर दी जाएं और फिर सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए तो सब इस तकसीम को मुसीबत और अपनी पहली मुसीबत को गनीमत समझेंगे। हकीम सुकरात ने क्या कहा है कि अगर दुनिया में रहने वाले सभी लोगों की मुसीबतों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और उनको बराबर बराबर लोगों में बांट दिया जाए तो लोग पहले वाली मुसीबत को गनीमत समझेंगे। एक और हकीम ने इस लतीफ़े को और भी बड़ा चढ़ा कर कहा है कि उनका कहना है कि अगर हम अपनी मुसीबतों को आपस में बदल सकते तो फिर हर शख्स अपनी पहली मुसीबत को अच्छा समझता। मुसन्निफ़ किसी इन दिनों ख्यालात में महू था कि उनको नींद आ गई और ख्वाब में मुसन्निफ़ क्या देखते हैं कि सुल्तान अफलाक कहते हैं फलक की जमा को, आसमान की जमा फलक कहते हैं आसमान को। तो सुल्तान अफलाक के दरबार से ये इश्तिहार जारी हुआ कि तमाम आलम तमाम दुनिया रंज व आलम और मसाइब व तकालीफ लाकर एक जगह इकट्ठा कर दें।
इश्तिहार के मुताबिक लोगों ने ऐसा ही किया। मुसन्निफ ने देखा कि जो बोझ सर से फेंका जाता वे मकदार यानी कि क्वान्टिटी में और बढ़ जाता, यहाँ तक कि वे मुसीबतों का पहाड़ बादलों से भी ऊँचा हो गया। एक दुबला पतला शख्स हवा की मानिंद हवा की तरह ढेर में नहायत चला गया और फुर्ती से हाथ में आईना लिए फिर रहा है। वे एक ढीली ढाली पोशाक पहने हैं जिसका दामन कयामत से बंधा था उस पर देव और जिन्नातों की तस्वीरें कड़ी हुई थी। जब वे हवा से लहराता था दामन तो हज़ारों अजीब व गरीब सूरतें नज़र आती थीं उस लड़के के दामन पर। वहशियाना आँखें और अफसरदगी थी, उदासी थी उसकी आँखों में। और उस लड़के दुबले पतले लड़के का नाम वहम था। मुसन्निफ को अपने हम जिनसों यानी कि अपने साथियों और हम सूरत भाइयों को इस परेशानी में देख कर बहुत तरस आया है। ये सभी बातें जो मैं अभी पढ़कर सुना रही हूँ मुसन्निफ ने ख्वाब में देखी है, अपने ख्वाब के बारे में लिखा है यहाँ पर। इस आलम में मुसन्निफ ने देखा कि एक शख्स ने पुराने से अचकन के चौके यानी कि एक ढीले ढाले कुर्ते में एक भारी गठरी अंबार यानी कि ढेर में फेंकी तो मालूम हुआ कि वे अफलास का अजाब था। उसके पीछे एक और शख्स पसीने में शराब और बोझ से हफा हुआ आया। जब उसने अपना बोझ सर से फेंका तो मालूम हुआ कि वे उसकी बीवी थी जो बहुत बुरी थी। उनके बाद एक बड़ी भीड़ आशिकों की आई। ये आशिक आह फकान कर रहे थे लेकिन जब ये लोग अंबार के पास आए तो लाख जदोजहद के बाद भी सर से बोझ ना फेंक सके और जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। कोई अपने वतन की झुर्रियाँ, कोई अपनी काली रंगत, कोई मोटे मोटे होठ फेंक रहा था। गर्ज इस पहाड़ में सबसे ज़्यादा जिस्मानी ऐप थे। एक कुबड़ा अपने कुबड़पन से परेशान था, इसने कुबड़पन को फेंकने आया था। इस अंबार में मुख्तलिफ किस्म के अमराज कहते हैं मर्ज की जमा को, बीमारी की जमा को। मुख्तलिफ किस्म के अमराज भी थे जिनमें कुछ असल और कुछ गलत फहमियों का शिकार थे, क्योंकि नौजवान अपने हाथों की कमाई यानी कि अमराज जवानी हाथों में लेकर आए थे। किसी ने भी अपनी बेवकूफ़ी और बदतुआरी न फेंकी। एक अय्याश अपने गुनाहों की बोझ की गठरी फेंक गया, देखा तो मालूम हुआ कि वे गुनाह की ओस अपनी अकबत की अपनी आखरत की गठरी फेंक गया है। एक शोहदा अपनी कोताह अंदेशी को फेंकने आया मगर वे बजाय उसके अपनी शर्म व हया को फेंक गया ढेर में। जब तमाम इंसान अपने बोझ व बबाल उतार कर फेंक रहे थे तो मियाँ वहम मुसन्निफ को अलग खड़ा देख कर उनकी तरफ आए। ये देख कर मुसन्निफ के होश उड़ गए। आफत के ढेर पर गौर व फिक्र कर रहा था कि सुल्तान अफलाक के दरबार से यह हुक्म पहुँचा कि सब अपने रंज व तकलीफ आपस में एक दूसरे से चेंज करने का इख्तियार है, सब अपनी मर्जी के बोझ लेकर घर चले जाएं। मियाँ वहम बड़ी तर्द फुर्द के साथ इस अंबारे अजीम के बोझ बांध बांध कर तकसीम करने लगे। इस दौरान जो रेल पेल और धक्कम पेली हुई वे बयान नहीं की जा सकती। एक मुअज्जिज़ मोहतरम बे औलाद शख्स दर्द कोलंज किसे कहते हैं, वे दर्द जो पसलियों के नीचे बहुत तेज़ होता है, दर्द कोलंज से बहुत परेशान था। वे अपनी जायदाद व माल के लिए एक वारिस चाहता था। उसने अपने दर्द कोलंज को फेंक कर एक ऐसे लड़के को उठा लिया जिसके बाप ने उसे नाफरमान और सरशार होने की वजह से छोड़ दिया था। उस लड़के ने फौरन बूढ़े की दाढ़ी पकड़ ली। अब इस लड़के का हकीकी बाप दर्द कोलंज के सबब लौटने लगा। बूढ़े ने कहा, तुम मेरा दर्द मुझे वापस दे दो और अपना बड़का वापस ले लो। मेरा पहला अजाब ही इससे कहीं बेहतर था मगर ये अजाब बदला नहीं जा सकता था। एक बेचारा गुलाम जहाजी मेहनत की तकलीफ से दिख होकर, दिख किसे कहते हैं, एक किस्म का बुखार है जो फेफड़ों के ख़राब होने की वजह से होता है, इस अजाब को छोड़ने पर मजबूर था। इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए उसने झूले का मर्ज ले लिया मगर वे उसमें भी खुश ना था। फर्ज इसी तरह के शख्स थे जिन्होंने अपनी पहली मुसीबत के बदले दूसरी मुसीबत को गले लगा लिया और बाद में अपने किए पर पछताए। किसी बीमार ने अफलास लिया था और वे इससे नाराज था। किसी को भूख ना लगती थी। अब जो अलकबर के मारे पेट पेट कर रहा था औरतें अपने दल बदल के अजाब में गिरफ्तार थीं। किसी ने सफ़ेद बालों को छोड़ा तो पाँव में फोड़ा हो गया।
किसी ने पतली कमर को छोड़ा तो किसी ने खूबसूरती ली तो उसके साथ बेआबरूई का दाग और बदनामी का टीका मिला। अगर कोई भी शख्स अपनी मर्जी का बोझ लेकर खुश नहीं था, इन सब हालातों को देखकर समझ में आया कि जो मुसीबतें हम पर पड़ती हैं हम उनके आदी हो जाते हैं। मुसन्निफ़ को उस बूढ़े के हाल पे अफसोस हुआ जो खूबसूरत नौजवान था। औरतें उसकी सजदस पर जान देती थी, लेकिन अब वे बेचारा मसाने की पत्थरी के सबब सीधा चल नहीं सकता था। कोई किसी का चेहरा लेकर खुश था तो कोई किसी की टांगे लेकर, और कोई किसी हाल में खुश नहीं था। जब वे सारा अंबार तकसीम कर दिया गया तो सारा मैदान लोगों की आह फ़गा नाला फरियाद से धुआंधार था। आखिर में सुल्तानुल फलाक को बेकस इंसानों पर रहम आया तो उसने हुक्म दिया कि अपने अपने बोझ को उतार कर फेंक दो और अपने अपने पहले वाले बोझ इन्हें मिल जाए। सब खुशी खुशी राजी हो गए, मगर दूसरा हुक्म आया जिस वहम ने लोगों को धोखे में डाल रखा था, वे वहाँ से चला जाए। उसकी जगह एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ। उसका चेहरा संजीदा और खुशनुमा था, हरकत व शनाकत माकूल थी। उसने बार बार अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया और रहमत इलाही पर भरोसा करके निगाह को उसी की आस पर लगा दिया। उसका नाम सब्र व तहमील था। जैसे ही वे फरिश्ता मुसीबत के पहाड़ के पास आकर बैठा, वे खुद ब खुद सिमटता गया। फिर उस फरिश्ते ने हर शख्स को उसका असल बोझ उठाकर देते हुए समझाया कि घबराओ नहीं, बर्बादी के साथ बोझ उठाओ। हर शख्स बोझ लेकर उसका शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी अपने घर रवाना हुआ और उसका एहसान मानते हुए कहा कि आपकी मेहरबानी से मुझे मुसीबतों के ढेर में से अपना बारे मुसीबत जानना पड़ा। तो बच्चों, यहाँ से सबक का खुलासा कंप्लीट हो गया है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर एक, सुल्तान अफलाक के दरबार से क्या इश्तिहार जारी हुआ? जवाब, सुल्तान अफलाक के दरबार से इश्तिहार जारी हुआ कि तमाम अहले आलम अपने अपने रंज व आलम और मसाइब व तकलीफ़ को लाएं और एक जगह ढेर लगा दें। सवाल नंबर दो, वहम का क्या हुलिया बताया गया है? तफसील से लिखो। तो बताया गया है कि जवाब, वहम सूखा साखा सहमा दुबलाबे के मारे दुबला होने की वजह से हवा की मानिंद दिखाई दे रहा था। इस ढेर में नहायत चलाकी और फुर्ती से फिर रहा था। उसके हाथ में एक आईना था जिसमें देखने से शक्ल नहायत बुरी मालूम होने लगती थी। वे एक ढीली ढाली पोशाक पहने था जिसका दामन एक कयामत से बंधा था। उस दामन पर देव और जन्नतों की तस्वीरें जरदोजी से कड़ी हुई थी और जब वे हवा से लहराती थी तो हज़ारों अजीब व गरीब सूरतें उस पर नज़र आती थी। उसकी आंखें वहशियाना थी मगर निगाह में अफसुर्दगी भी थी। उसका नाम वहम था। सवाल नंबर तीन, लोग अपनी पहली मुसीबत से छुटकारा क्यों पाना चाहते थे? जब लोगों पर कोई मुसीबत आ पड़ती तो वे अपने आप को बदनसीब समझते हैं और इस वहम में मुब्तिला रहते हैं कि शायद उनकी मुसीबत दूसरों की मुसीबत से ज़्यादा परेशान करने वाली है, इसलिए वे अपनी पहली मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे। सवाल नंबर चार, मुसीबतों को बदलने के बाद लोगों ने खुद को कैसा महसूस किया? जवाब, मुसीबतों को बदलने के बाद लोगों ने खुद को ज़्यादा परेशानी में मुब्तिला पाया। सवाल नंबर पाँच, अपनी अपनी मुसीबतों को बदलने के बाद भी लोगों की परेशानियां कम क्यों नहीं हुई? जवाब में लिखोगे, अपनी अपनी मुसीबतों को बदलने के बाद भी लोगों की परेशानियां इसलिए कम नहीं हुई क्योंकि उनकी पहली मुसीबत दूसरी मुसीबत से ज़्यादा बेहतर थी। सवाल नंबर छः, सब्र व तहमील का बयान किस तरह किया गया है? तो जवाब में लिखोगे, संजीदा और खुशनुमा चेहरे वाले फरिश्ते ने आसमान से नाजिल होकर बार बार अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया और रहमत इलाही पर तवक्कुल करके यकीन करके निगाह को उसकी आस पर लगा दिया। उसका नाम सब्र व तहमील था। जैसे ही वे मुसीबत के पहाड़ के पास आकर बैठा, मुसीबतें खुद ब खुद घटना शुरू हो गई। फिर उस फरिश्ते ने हर शख्स को असली और वाजबी बोझ उठाकर देना शुरू किया और लोगों को समझाया कि मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए बल्कि दबारी और सब्र व तहमील के साथ मुसीबतों को बर्दाश्त करने से मुसीबतों का बोझ खुद ब खुद कम होता चला जाता है। तो यहाँ से ये सबक कंप्लीट हो गया है।